तो ये बर्तन क्यों लिए हो हाथ में? खाने खाना के लिए। हाँ। सुबह से खाना नहीं खाए हो? नहीं। सुबह से खाना नहीं खाए हो? नहीं। भूख लगा है? हाँ। चूड़ा मिला, गुड़ मिला खाने। सुबह से आप लोग चूड़ा पे थे? हाँ। अभी तो सुबह से भूखे हैं? तो फरी खाया थोड़ा को चूड़ा। हाँ। हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है कि कोई भंडारा का नहीं है, ये वो पीड़ित है जिनका घर जो है कि जल चुका है। सामने दिखाइए किस प्रकार से ये जो लोग खड़े हैं, सारे के सारे लोग अपने यहाँ से बर्तन लगा करके, बर्तन लेकर के खड़े हैं कि हमको किसी भी तरीके से एक टाइम का भोजन मिल जाए ताकि हमारा पेट भर जाए। और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये पूरी तरीके से इसलिए यहाँ पे खड़े हैं ताकि इनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। ये सभी लोग जो है कि पीड़ित हैं, ये कोई भंडारा नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये लोग पीड़ित हैं जिनका लगभग पूरा का पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया है, जल चुका है, और ये भोजन की तलाश में यहाँ पे खड़े हैं ताकि हमको एक टाइम दो टाइम का भोजन मिल जाए ताकि हमारा पेट भर जाए। और यहाँ पे जो लोग हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे काहे के लिए खड़े हो बाबू? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रिंकी। क्या करती हो? घर जल गया? अच्छा, यहाँ पे हाथ में बर्तन क्यों लिए हो? खाना के लिए। खाना नहीं खाए हो सुबह से? अभी तक नहीं खाए हो? भूख लगा है? तुम्हारा क्या नाम है बाबू? क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। तो ये बर्तन क्यों लिए हो हाथ में? खाने खाना के लिए। हाँ। सुबह से खाना नहीं खाए हो? नहीं। सुबह से खाना नहीं खाए हो? नहीं। भूख लगा है? हाँ। तो खाना मिल रहा है ना? हाँ। तो जाइए ले लीजिए खाना। देखिए चाची, आप लोग का खाना अभी तक नहीं खाए लोग? अभी तक नहीं खाए? एक बज गया, सुबह से आप लोग चूड़ा पे थे? देखिए ये सभी के सभी लोग सुबह से चूड़ा पे थे और अभी जो है कि लगभग एक बज रहा है, दोपहर एक बजे के आसपास मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, एक बजे इन लोग का खाना आया है। हाँ चाचा, छोड़िए ना, ये सब बाहरी है, काम वाला है ये नहीं है, बात करा लेता है, खा लेता है। तो आप लोग अभी तक खाना नहीं खाए हैं? नहीं, अभी तो बढ़िया रहा। अभी खाना आया है? हाँ, अभी। तो सुबह से भूखे हैं? तो फरी खाया थोड़ा को चूड़ा। हाँ। देखिए पूरी तरीके से जो लोग हैं ये यहाँ पे लाइन में लगे हैं ताकि जो है कि हमको भोजन मिल जाए, और भोजन बना करके आया है और इन लोगों को भोजन मिलेगा। देखते हैं कि कितने लोग पीड़ित हैं। लगभग हम आपको बता दें कि 35 घर के आसपास ऑफिशियल जो बयान आया है प्रशासन का, उसमें 35 घर के आसपास। थोड़ा सा नज़दीक से आइए, दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पे खाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, सबको खाना मिल जाए, सबको भोजन मिल जाए, और भोजन के लिए सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे हैं। 18 तारीख से पहले ये सब लोग अपने घर पर बना करके खाया करते थे, 18 तारीख से पहले इन लोग का अपना घर हुआ करता था, अपने अपने घर में भोजन बनाते थे, कमाते थे, अपने रोजी रोटी का व्यवस्था करते थे। लेकिन 18 तारीख की शाम को, रात को एक घटना हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये गांव वीरान हो गया, और आज जो है कि ये लोग अपने भोजन के लिए लाइन में लगे हैं, अपने भोजन के लिए किस प्रकार से धक्का मुक्की कर रहे हैं ताकि हमारा भोजन का व्यवस्था हो जाए। ये दुर्भाग्य है। जातीय जनगणना कराने से क्या होगा भाई साहब? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जातीय जनगणना हो ना हो अलग बात है, लेकिन गरीबों की जनगणना जरूर होनी चाहिए। जितने भी दलित हैं, जितने भी अति पिछड़े लोग हैं, जो भी गरीब हैं, उनकी जनगणना कराओ ना, उनको उस संसाधन की ज़रूरत को पूरा करो ना। जातीय जनगणना से क्या होगा? इनकी जनगणना कराओ जो एक टाइम के भोजन के लिए लाले पड़े हैं, इनकी जनगणना होनी चाहिए। सरकार जो है कि ताने मार रही है, सरकार जो है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से थोड़ी होगा, इन लोगों को जो है कि ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करानी पड़ेगी। बाकी इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।